आत्मिक दर्पण तो सच में बहुत ही अद्भुत काम करने वाला दर्पण है। जानते हैं, ये केवल आपको ये नहीं दिखाता है कि आप कौन हैं। जैसे आप इस दर्पण को देखते चले जाते हैं, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 आखिरी के वचन कहते हैं, आप तो उसी स्वरूप में बदलते चले जाएंगे जिसे आप देखते हैं। मतलब आप उस व्यक्ति के जैसे होंगे जो इस आईने में देख रहे हैं। जैसे सामान्य मनुष्य अपने चेहरे को दर्पण में देखता है, बाइबल कहती है जब आप वचन को देखते हैं तो यह ऐसा है कि आप आईने में देख रहे हैं। यह अलग आईना है, परमेश्वर का वचन तो अलग तरह का आईना है। यह आईना है जो आपके स्वाभाविक बातों को नहीं दिखाता है। ये चेहरा नहीं, यह आप शरीर में कौन है, यह दिखाता है कि आप अपने भीतर कौन है, आपका आत्मिक स्वभाव, आप कौन है। ये स्वभाव जो ये कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, आप इसे यहां देख सकते हैं। आप कहां देख सकते हैं? इस आईने को मोड़िए, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में ये कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है।
पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। किसी के सामने इसे पढ़े तो उन्हें लगेगा पागल हैं। लेकिन बाइबल ये कहती है, हम जानते हैं क्योंकि हम आईने में देख रहे हैं। जो ये कहता है, ये आईना जो इसे दिखाता है, मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, यह आईना यही तो कहता है। इसे और दूसरे आईने में नहीं देख सकते। यह आईना कहता है कि जो कुछ भी मुझसे करने के लिए कहा गया है उससे ज्यादा मैं कर सकता हूं। यह आईना कहता है कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। पर यह सच आईना यही कहता है, ये तो मेरे उस भाग को देख सकता है जिसे मैं नहीं देख पा रहा हूं, स्वाभाविक आंखों से, स्वाभाविक दर्पण से। ये तो आत्मिक दर्पण है जो मुझे दिखाता है कि मैं मसीह यीशु में सच में कौन हूं। ठीक है, यानी मैं आत्मा हूं। देखिए, पिछले हफ्ते मैंने कहा था हम दोनों हैं, आत्मा और प्राण और शरीर हैं, यानी हमारे दो पहलू हैं। एक तो आत्मिक अदृश्य भाग है, हम सच में आत्मिक संसार से हैं, हम तो आत्मा हैं, जैसे परमेश्वर आत्मा है हम आत्मा हैं, लेकिन हम शरीर में रहते हैं, इसलिए हम स्वाभाविक व्यक्ति हैं, हम इस स्वाभाविक संसार में रहते हैं, तो हमारे दो पहलू हैं। अब ये दो पहलू रखते हुए दो बातें हो रही हैं। मैं स्वाभाविक रूप में स्वाभाविक आईने को देखता हूं और जरूरी जानकारी लेता हूं कि मैं इस बात को निश्चित करूं कि लोगों के सामने सही दिखाई दूं, लेकिन मैं इस दर्पण में भी देखता हूं कि इस बात को जानूं कि मैं सच में कौन हूं। और मैं आपसे कहूं, बाकी सारी बातों के साथ में जैसे कहा हूं कि आत्मिक बातें स्वाभाविक बातों से बड़ी हैं, क्योंकि आत्मिक ने स्वाभाविक को बनाया। स्वाभाविक तो आत्मिक संसार से आया और ये सब। परमेश्वर सबसे महान है, वो आत्मिक संसार में है, वो तो एक आत्मा है। बिल्कुल वैसे ही आत्मिक दर्पण जो परमेश्वर का वचन है, ये भी महान है स्वाभाविक दर्पण से। स्वाभाविक दर्पण आपको केवल चेहरा दिखाता है यहां पर, लेकिन आत्मिक दर्पण तो सच में बहुत ही अद्भुत काम करने वाला दर्पण है। जानते हैं, ये केवल आपको ये नहीं दिखाता है कि आप कौन हैं। जैसे आप इस दर्पण को देखते चले जाते हैं, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 आखिरी के वचन कहते हैं, आप तो उसी स्वरूप में बदलते चले जाएंगे जिसे आप देखते हैं। मतलब आप उस व्यक्ति के जैसे होंगे जो इस आईने में देख रहे हैं। हेलो क्या ये अद्भुत नहीं? तो फिर आप क्या बन रहे हैं? देखिए, हो सकता है कि आप बाहर से बहुत ही कमजोर व्यक्ति दिखते हो, आप शायद बाहर से बहुत अच्छे व्यक्ति ना दिखाई दे, लेकिन आप भीतर से नई सृष्टि हैं। भीतर में मसीह जो आपको बल देता है उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। भीतर में आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। अगर आप इस सच्चाई को देखते चले जाए कि आप जयवंत से भी बढ़कर हैं, कि आप मसीह में सब कुछ कर सकते हैं, आप नई सृष्टि हैं, जितना ज्यादा आप इसे देखेंगे, इस पर मनन करेंगे, उतना ही ज्यादा आप बाहरी रूप में उस व्यक्ति के जैसे होते जाएंगे। आप इस आईने में जो कुछ भी देख रहे हैं आप पर ऐसा प्रभाव डालता है कि स्वाभाविक रूप में भी आप ऐसे ही हो जाते हैं। ये स्वाभाविक पर असर डालता है, ये आत्मिक दर्पण आपको लेकर स्वाभाविक रूप में पूरी तरह से बदल देता है उस व्यक्ति में जिसे आप आत्मिक रूप में देखते हैं। हेलो, तो ये फिर से है, यानी ये सबूत है कि आत्मिक चीजें वास्तविक हैं और ये सच में काम करते जाती हैं। यानी परमेश्वर ने सारी आशीषों को मसीह यीशु में रखा है और मसीह को हम में रखा है। यानी आशीषें तो वहां पर है। चलिए इन शब्दों में बताऊं ताकि आप अच्छे से समझ सके। अब सृष्टि में जब परमेश्वर ने सृष्टि की, उसने पहले सब कुछ बनाया और अंत में मनुष्य को बनाया, क्योंकि वो चाहता था कि मनुष्य के लिए जो भी चाहिए वो सब पहले से हो, मनुष्य के आने के पहले। तो मनुष्य को जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर ने पहले सोचा, उसे बनाया, उसके बाद में मनुष्य को बनाया। वो सृष्टि में सबसे आखिर में बनाया गया। मनुष्य को बनाने के बाद उसने कुछ किया। बाइबल कहती परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, बिल्कुल अपने मनुष्य को बनाया कि उसके जैसे हो और उसके जैसे काम करे। और फिर वचन 28 कहता है, हमने इसे पढ़ा है, यहां पर फिर कहता है हमने इसे पढ़ा, इस पर कई बार प्रचार किया है, लेकिन चलिए इसे फिर से देखते हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28, और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और फिर परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, इसे वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अब परमेश्वर ने
इस मनुष्य को आशीष दी जिसने उसे अपने स्वरूप समानता में बनाया और उससे 5 बातें कही। कहा, फलवंत हो जाओ, बहुगुणित हो, पृथ्वी को भर दो और सब कुछ वश में कर लो और सारी बातों पर अधिकार रखो। हाँ, फिर एक बार, फलवंत होना, बहुगुणित होना, फिर भर देना, वश में कर अधिकार करना। यानी मनुष्य ने परमेश्वर से आशीष पाई और मैं कहूंगा कि आशीष यानी सामर्थ पाना है। जहां प्रभु मनुष्य को कुछ होने की सामर्थ देता है, जब आप आशीषित होते हैं मतलब सामर्थ पाते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा कि तुम धन पाओ। यानी धन पाने की सामर्थ ही तो आशीष है। यानी आपने सामर्थ पाई, किसके लिए सामर्थ पाई? 5 बातों के लिए सामर्थ पाई, कि फलवंत हो जाए, कि बहुगुणित हो जाए, कि पृथ्वी को भर दे, कि सब कुछ वश में कर ले और क्या रखें? अधिकार। आप पर प्रभु की आशीष है, आपने सामर्थ पाई है, प्रभु ने आपको दी है, इसे काम करना चाहिए। प्रभु ने इसे वापस नहीं लिया, इसे काम करना चाहिए। अब इसमें मैं तीसरी बात देखना चाहता हूं कि भर दो। जानते हैं फिर से भरना क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसा स्टॉक हो जो कि बिल्कुल भरपूरी से हो। जानते हैं जब आप स्टोर में जाते हैं, उनके पास स्टॉक है, उनके पास एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट के 200 आइटम्स हैं और दूसरे प्रोडक्ट के 500 आइटम्स, यानी उनके पास पूरा स्टॉक है। और कई बार वो स्टॉक को देखते हैं और उसे गिनते हैं, फिर पता चलता है कि कितने बेचे गए हैं, कितने बाकी हैं, और वो फिर से उसके अंदर और जोड़ते हैं। अब उसे भर दो, इसका सच में यही अर्थ होता है। भरपूरी का स्टॉक, या अलग तरह से कह सकते हैं, जो घटते जा रहा है उसकी जगह उसे फिर से लाते जाना, जो चला गया है उसकी जगह और लाना, जो चला गया उसकी जगह और लाना। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी कि वो फले फूले और इस पृथ्वी को भर दे, तो वो कह रहा है, सुनो आदम, अगली बार जब भी केले चाहिए तो केले मांगने के लिए उपवास और प्रार्थना करते मत बैठना। प्रभु का धन्यवाद कि उसने ऐसे कहा नहीं, तो आदम और हवा प्रार्थना सभा करते थे। कौन जाने, शायद हवा वहां पर अदन की वाटिका के किसी कोने के चर्च में जाती होगी और हर शनिवार के दिन वो उसे बताते, 7 शनिवार उपवास करना और फिर परमेश्वर शायद तुम्हें केले दे दे। परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने सब कुछ बना लिया है, अभी मैं कुछ और नया नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें मेरे जैसे बनाया है, कि तुम बहुगुणित होते जाओ, कि फलवंत हो जाओ और तुम बहुगुणित हो, कि वश में कर लो और अधिकार रखो। मैंने तुम्हें मेरे जैसे बनाया, तो मुझे नीचे आकर तुम्हारे लिए कुछ और क्यों बनाना है? मैंने सब कुछ बनाया और साथ में मैंने सब कुछ बनाया है सिद्धांत के साथ, और सिद्धांत तो ये है, और वो उसे बताता है 1:11 में और दूसरी जगह पर। ये कहता है, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और उसका बीज उसी में है। अगर आप एक पेड़ देखते हैं और आपको ऐसे हजारों पेड़ चाहिए, तो उसका बीज तो उसी में है, वो उसी में है, आप जितने चाहे उतने ले सकते हैं, कोई सीमा नहीं। परमेश्वर कहता है, तुम बहुगुणित हो जाओ। एक बार मैंने इस बात की गिनती की थी कि कितने पपीता लगेंगे, कितने जल्दी ये बढ़ सकते हैं। ये अद्भुत है कि ये बहुगुणन कितने जल्दी होता है। अगर आप इस आशीष और इस सामर्थ का जो परमेश्वर ने आपको दी है उसका उपयोग करते चले जाए और इसके साथ काम करने लगे, तो मैं आपको बताऊं, ये तो महान होगा। देखिए, बहुत से लोग इन बातों को तो पहचानते भी नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अब से आगे तुम्हें जब कुछ चाहिए, कोई जरूरत हो, जब किसी चीज की कमी हो, किसी चीज की जरूरत हो, कुछ स्रोत जिसकी तुम्हें जरूरत होगी और वो खर्च कर दिया गया है, आपको उसको फिर से लेना है, तो मुझसे संपर्क नहीं करना। हेलो, अगर ऐसे कहें तो ही लोग समझ पाएंगे। आज विश्वासियों को ऐसा ही प्रचार चाहिए, मुझसे संपर्क नहीं करना, उपवास और प्रार्थना नहीं करना, मेरे सामने रोते नहीं रहना, मुझसे भीख मांगते नहीं रहना, पूरे संसार को प्रार्थना करने के लिए नहीं कहना, सभी को SMS मत भेजते बैठना। जब तुम्हें कुछ चाहिए तो याद रखना कि मैंने तुम्हें सामर्थ दी है, मैंने तुम्हें आशीष दी है, मैंने तुम्हारे अंदर एक मनुष्य के रूप में इस योग्यता को रख दिया है कि तुम बहुगुणित होते जाओ, फलवंत होते जाओ, और तुम इसे भर दो और तुम्हारे पास बहुत आयत का स्टॉक हो। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए तुम उसका स्टॉक बना सकते हो, और जो कुछ भी चला गया है उसकी जगह पर तुम इसे रख सकते हो। सारे आनंद को वापस रख सकते हो, तुम शांति को वापस रख सकते हो, आनंद को वापस रख सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुमने खो दिया है तुम उसे वापस भर सकते हो कि वो उमड़ते हुए बहते जाए।
आप अपना खोया हुआ धन वापस पा सकते हैं, तंदुरुस्ती वापस ले सकते हैं जो खो गई थी, आपने जो कुछ खो दिया है उसकी जगह फिर से पा सकते हैं, आप उस जीवन को फिर से जोड़ सकते हैं जो कि हजारों टुकड़ों में बिखर गया है, आप उसे ले सकते हैं और आप उसे भरपूर बना सकते हैं। आप एक खाली जीवन को ले सकते हैं और आप उसे भली चीजों से भर सकते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसी सामर्थ्य दी है, ये सृष्टि है, ठीक है। चलिए अब नई सृष्टि के बारे में कहते हैं, ठीक है। नई सृष्टि क्या है? परमेश्वर ने सृष्टि की, मनुष्य के पाप के कारण सब गड़बड़ी आ गई, तो परमेश्वर फिर शुरू करता है। परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं नई सृष्टि बनाऊंगा, और नई सृष्टि में ये लगभग समान है, बस कुछ चीजों को छोड़कर। नई सृष्टि में क्रूस के द्वारा और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ फिर से बनाया, सब कुछ प्रयोजन किया। अदन की वाटिका जैसे उसने सब कुछ बनाया, उसके बाद में मनुष्य को बनाया। यहां पुनः सृष्टि में या नई सृष्टि में परमेश्वर ने पहले यीशु को क्रूस पर रखा और हमारे पाप, हमारी शर्म और हमारे श्राप को रखा और हमारी गरीबी को, इन सब को उस पर रखा, इसलिए कि हमारे लेखे में जमा हो सके संपन्नता और आशीषें, शांति और पापों की क्षमा और हर एक आशीष। हां, परमेश्वर ने यह किया, यानी परमेश्वर ने नई सृष्टि में जो किया वो बस यही है। बिल्कुल जैसे शुरू में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसके बाद में मनुष्य को बनाया, यहां परमेश्वर ने सब तैयार किया और फिर लोगों को अपने चारागाह में लाया। अब हम नई सृष्टि हैं। अब इस समय उसने क्या किया? देखिए, पिछली बार उसने सब कुछ बनाकर मनुष्य को दिया, कहा ये सब तुम्हारा है, तुम बहुगुणित हो, तुम फलवंत हो, तुम ही से पूरी तरह से भर दो। अब इस समय उसने क्या किया? उसने सब कुछ रख दिया। वो जानता था अगर इसे दूसरे आदम में रखे तो दूसरा आदम भी बिल्कुल यही गलती करेगा, तो उसे बार बार इसे नया बनाते चले जाना पड़ेगा, क्योंकि आदम हमेशा गड़बड़ी करेगा। तो उसने कहा मैं अगली बार आदम में नहीं रखूंगा, लेकिन उसमें रखूंगा जो कभी असफल नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया? उसने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर जो पाप नहीं कर सकता, जो पाप में असफल नहीं हो सकता, जो आदम के जैसे असफल नहीं हो सकता, वो शरीर में आया, वो मनुष्य बना ताकि वो मनुष्य का प्रतिनिधि हो सके, और वो सारी आशीषें जो कलवरी के क्रूस के द्वारा खरीदी गई, वो तो उस बहाए गए लहू के द्वारा हासिल की गई है, और कलवरी के क्रूस पर उसके प्रायश्चित के काम के द्वारा उसने इसे लेकर मसीह यीशु में पूरी तरह से सुरक्षित करके रखा है। उसने उसे वहां पर यीशु में रखा और उसमें निवेश कर दिया, और फिर नई वाचा के द्वारा मसीह यीशु को लेकर उससे हम में रख दिया। वो कहता है यहां पर ये है, और वो कहता है अगली बार तुम्हें जब कुछ चाहिए, तो नई वाचा में वो कहता है इस नई सृष्टि में कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे संपर्क नहीं करना। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? कहता है अगर तुम्हें कुछ चाहिए, चाहे जो कुछ भी चाहिए, तो ये मत दिखाओ कि तुम्हारे पास नहीं मिला, ये ना दिखाओ कि मैं नीचे आकर तुम्हारे लिए इसे करूंगा, मैं तुम्हारे लिए नीचे आकर इसे नहीं करूंगा, मैंने इसे एक बार सदा के लिए किया, जैसे मैंने शुरू में सृष्टि की और उसके बाद में कभी सृष्टि नहीं की, इस समय नई सृष्टि में मैंने ऐसा कुछ किया है जिसे मैं फिर से कभी नहीं करूंगा, मैंने तुम्हारे लिए सिद्ध रीति से पूरी तरह से प्रयोजन किया है कलवरी के क्रूस के द्वारा, ये तो काम पूरा हो गया है, खत्म हो गया है, ये फिर नहीं होगा, अभी मुझे फिर से वापस नीचे आकर मर कर फिर से नहीं करना होगा, ये एक बार सदा के लिए हो गया है। यानी जब भी आपको कुछ चाहिए तो क्या करे? तो ऐसी प्रार्थना न करे कि आपको नहीं मिला है, तो ये प्रार्थना नहीं करना कि मुझे नीचे लाओगे और मुझसे ये तुम करवाओगे और प्रार्थना का उत्तर नीचे लाओगे और ये सारी बातें। तो ऐसी प्रार्थना न करना कि तुम्हें नहीं मिला और तुम्हारी प्रार्थना से मेरा दिल पिघल जाएगा और जो मैंने नहीं दिया उसके कारण मैं देने लगाऊं, नहीं, मैंने पहले ही दे दिया है। ऐसे गीत न गाओ कि तुम्हें अब तक कुछ भी नहीं मिला है। हेलो, कई बार हम गीत गाते हैं, जैसे कि कई बार मसीह गीत के लिए मैं सोचता हूं, कुछ लोग देहाती गीतों के जैसे हैं कि तुमने सही समय चुना कि मुझे पूरी तरह से हरा दो। जानते हैं देहाती गाने कैसे होते हैं, जैसे कि कोई गिटार लेकर गाता है कि कैसे उसकी पहली पत्नी छोड़ गई,
फिर बताता है कैसे दूसरी पत्नी चली गई और तीसरी पत्नी भी चली गई, फिर उसके बच्चे सभी एक एक करके पांचों के पांचों चले गए, फिर वो बताता है कैसे मेरे कुत्ते और बिल्ली भी मुझे छोड़ गए और देखो मैं अकेला हूँ। लोग कहेंगे कितना अच्छा गीत है, बहुत अच्छे शब्द हैं। आश्चर्य की बात नहीं कि लोगों का जीवन ऐसे गड़बड़ी में है, क्योंकि जानते हैं और वो इसी तरह की बातें मसीह चर्च में लेकर आते हैं और इस तरह से सोचते हैं, जानते हैं कि कैसे मैं ऐसे खो बैठा, मैं अपना आनंद खो बैठा, मैं अपनी खुशी खो बैठा, सब कुछ चला गया है और देखो मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो केवल धूल और मिट्टी हूँ, बस एक छोटा कीड़ा हूँ, कीचड़ हूँ, जानते हैं। इस तरह के गीत, देखिए मुझे इस तरह के कोई गीत पसंद नहीं है जिनमें इस तरह के जो शब्द हों से हम गाएं। उन्नति के गीत गाने चाहिए, असफलता के गीत नहीं गा सकते हैं। ये नहीं गा सकते कि आप क्या खोए हैं, क्या चला गया है और सब कुछ चला गया है। नहीं, आपको गाना चाहिए कि मसीह ने क्या दिया है और उसने छुटकारे के द्वारा उसने आपको क्या दे दिया है यीशु मसीह के द्वारा। हमें यही तो गाना चाहिए, ठीक है। और मैं हमेशा अपने गीतों को चुनता हूं क्योंकि मैं जानता हूं उनके गीतों में जो है वो भी वैसे ही हैं, जानते हैं, यानी जो भी आप गाते हैं ये गहराई में जाते जाएगा। हम कहते हैं खैर भाई ये तो बस गीत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बस एक अच्छा गीत है। हाँ, कुछ लोगों को ये नकारात्मक गीत बहुत पसंद हैं, लेकिन देखिए अगर वो आपकी उन्नति नहीं करते, आपके अंदर में धाड़स और हिम्मत नहीं लाते हैं और खुशी नहीं लाते और ये महान बात आप में आनंद नहीं लाता है, तो आप इसे क्यों गाना चाहते हैं, इसे अपने मुंह से क्यों कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग इसी तरह से सोचते हैं, वो सोचते हैं कि ये आत्मिक गीत है क्योंकि यीशु मसीह का नाम यहां वहां बीच बीच में लिया जाता है, उस गीत में यहां वहां छिड़का जाता है, लेकिन ये काफी नहीं है। और कुछ लोगों की आराधना इस तरह से होती है, वो कहते हैं हम महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं अपनी आराधना से, हम बाहर आंगनों में वेदी के पास में अभी हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हैं और फिर उसके बाद में हम उस पर्दे के पार जाएंगे और उस महापवित्र स्थान में पहुंचेंगे। और वो इसे बड़े अजीब तरीके से करते हैं, कई बार विश्वासी लोग भी अजीब हरकतें करते हैं। वो इसे कैसे करते हैं, कैसे पर्दे को वो हटाते हैं, ये तो बस वो चिल्लाते हैं, चीखते चले जाते हैं और लोगों को भावनात्मक रूप में उकसाते हैं। हाँ, आओ 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 इसे गाओ। जानते हैं कुछ है, करो। और वो परमेश्वर की उपस्थिति में आने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ओ हम आ रहे हैं, ओ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, जैसे तैसे हमें भीतर जाना है। लेकिन आपके लिए शुभ संदेश है, 2000 साल पहले यीशु ने उस पर्दे को फाड़ दिया और वो बाहर आया, तो आप किस में जाने की कोशिश कर रहे हैं? आप समय बर्बाद कर रहे हैं कि उस जगह में जाने की कोशिश करें जहां पर वो अभी नहीं है। वो बाहर आया और वो आपके दिल में प्रवेश कर चुका है। देखिए चर्च में यही तो समस्या है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर कोशिश करते चले जाते हैं कि इस तरह से पवित्र स्थान में वो प्रवेश करते जाए, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि वो यहां भीतर में है। हाँ, लोग कहते हैं तुम हमें पत्र लिखो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप छुटकारा पाएंगे, आप वहां पर मेरी सभा में आ जाना और मैं आपको आजाद करूंगा, 500 मील की दूरी पर उस सभा में आना और मैं वहां पर छुटकारे का सेशन करने वाला हूं। जानते हैं इस तरह के लोग हैं जो हमें हर तरह की बातें बताते हैं, लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता है कि इसका जवाब जो है ये तो बिल्कुल आपके भीतर रखा है, ये बहुत दूर नहीं है। जानते हैं विश्वासी लोग इन सारी बातों पर विश्वास करते हैं, अजीब हरकतें करते हैं। देखिए कुछ लोग तो क्योंकि सबसे ज्यादा जोर दिया है हम उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ये और वो करेंगे और परमेश्वर को ये करने लगाएंगे जो हमें चाहिए, इस तरह का रवैया, और जब नहीं मिला तो कहते हैं कुछ न कुछ गलत होगा। एक भाई ने मुझसे कहा, भाई दुष्टात्मा हमारी प्रार्थना में रुकावट डाल रही है, हमारे ऊपर में एक अंधकार का बादल है, दुष्टात्मा हमारी प्रार्थना को रोक रही है, इसलिए हम उस बादल में एक छेद कर देंगे और हमारी प्रार्थनाओं को उस काले बादल के पार स्वर्ग में भेजेंगे। और मैंने एक प्रचारक को यह कहते हुए सुना, आपकी प्रार्थनाएं छत तक भी नहीं जाएगी। वो लोगों से कह रहे थे तुम पापी हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं छत तक भी नहीं पहुंचेगी। मैंने कहा भाई इसे आपकी नाक तक भी जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसी प्रार्थना नहीं करते जानते हैं कि उसे वहां छत तक पहुंचाने की कोशिश करें। हां नहीं, छत अपनी जगह पर बनी रहेगी,
आपकी प्रार्थनाओं को आपके नाक तक पहुंचने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि यीशु वहां छत पर बैठा नहीं है, वो आसमान में बैठा नहीं है, वो यहां पर हमारे दिल में बैठा हुआ है, वो यहां पर है। मैं जब भी चाहूं उससे बातें कर सकता हूं, वो तो हमारे अंदर है, जवाब तो यहां पर है। जो भी मेरे जीवन के लिए मुझे चाहिए, अभी और पूरे अनंत काल के लिए चाहिए, वो तो रखी गई है इस नई सृष्टि में, मेरे अंदर में, ये मुझ में है। Can I do but dance and shout to let these praises out? Once was lost and no so bound, by your grace I have been found. With the world can scream and shout, earthly temporary things, I can give my loudest praise to thee, Jesus. You're my master and my king, Jesus. Jesus, it's your blood that makes me clean. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, you're my master and my king. Jesus, you're my Lord, my everything. Jesus, it's your blood that made me clean. Hallelujah, hallelujah. Now we're going to shout unto God with the voice of triumph. Here we go. Hallelujah. Hallelujah. Everybody. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, you're my master and my king. Jesus, you're my Lord, my everything. Jesus. Blood that made me clean. Hallelujah, hallelujah. Jesus, you're my master and my king. Jesus, you're my Lord, my everything. Jesus, it's your blood that made me clean. Hallelujah, hallelujah. Say one more time, Jesus. Jesus, you're my master and my king. Jesus, you're my Lord, my everything. Jesus, it's your blood that made me clean. Hallelujah.